पति ने जबरन कराया पत्नी का वर्जिनिटी और प्रेगनेंसी टेस्ट। महिला से जुड़े एक बेहद संगीन अपराध की एक खबर सामने आई है। यह घटना बेंगलुरु से सामने आई है। यहाँ शादी के तुरंत बाद ही पति ने महिला का वर्जिनिटी और प्रेगनेंसी टेस्ट कराया। जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी MBA ग्रेजुएट है और दोनों एक नामी गिरामी कंपनी में कार्यरत है। दोनों उत्तरी कर्नाटक से संबंध रखते हैं और एक मैट्रिमोनियल साइट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। शुरुआती बातचीत के बाद दोनों ने नवंबर 2018 में शादी रचा ली। मिली जानकारी के अनुसार शादी के 15 दिन पहले ही पीड़िता के माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वह अवसाद में चली गई थी। लेकिन उसके उदासीन चेहरे को देखकर पति को लगा कि वह अपनी शादी से खुश नहीं है और मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मामले ने और गंभीर रूप ले लिया जब शादी के अगले दिन पीड़िता को गैस्ट्रिक की वजह से उल्टियां होने लगी। इसके बाद पति ने उसे अस्पताल लेकर चला गया। वहां पहुंचकर पीड़िता तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि डॉक्टर उसकी वर्जिनिटी और प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट के पहले बिना उसकी जानकारी के एक पेपर पर साइन करवाया गया, जिस पर उसके बिना सोचे समझे साइन कर दिया। अस्पताल से निकलने के बाद उसने अपने पति की जमकर फटकार लगाई और रूठकर वह अपने बहन के यहाँ रुकने चली गई। जानकारी के अनुसार 3 महीने के बाद आरोपी ने तलाक की अर्जी दायर कर दी। कोर्ट में जब दोनों पक्षों को अपनी दलील रखने के लिए बुलाया गया तो वहाँ पर उनकी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। फैमिली काउंसलर ने बताया कि वे उसके पति की काउंसलिंग करना चाहते थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अन्य काउंसलर ने बताया कि वह अपनी पत्नी को मानसिक तौर पर काफी प्रताड़ित करता था। जब उसकी माँ की मौत हो गई थी तो एक पति होने के नाते उसने उसे कभी भी मानसिक रूप से सहारा नहीं दिया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।